बिजनौर के पीली बांध के जलाशय में 3 दिवसीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आयोजित हुई 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अजयानंद अन्नाजय कुमार व टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट के सीएमडी राजीव बिश्नोई वाटर स्पोर्ट्स द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि 3रे दिन कार्यक्रम का समापन DIG शलभ माथुर ने किया। दरअसल बिजनौर जिले के रेहड़ी इलाके में रेहड़ इलाके में स्थित पीली बांध जलाशय में 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। इस दौरान जो है तमाम लोग मौजूद भी रहे। इसके साथ ही यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित 7 राज्यों के लगभग 85 महिला व पुरुष खिलाड़ियों की अलग अलग टीमों ने भाग भी लिया। डीएम साहब, यहाँ पीली डैम पर खेल प्रतियोगिता चल रही है पिछले 2 दिनों से, आज समापन हुआ है, क्या कहना है? प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को जन जन तक पहुँचाना और अनछुए अनदेखे हुए पहलुओं को पूरे विश्व के पटल पर लाना, युवाओं में खेल के प्रति, जल क्रीड़ा के प्रति, वाटर स्पोर्ट्स के प्रति भाव पैदा करना, उत्साह पैदा करना और पर्यटन की दृष्टि से बिजनौर को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करना इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। और मुझे खुशी है कि यह उद्देश्य अपने पूर्ण रूप में सफलता को प्राप्त कर रहा है। और मैं आज इसका क्या कहना है आपका? आज इसके लिए मैं जिलाधिकारी और यहाँ के पुलिस अधीक्षक दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खासतौर से सिंचाई विभाग के साथ सामंजस्य करके यहाँ पे DM साहब ने बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता कराई है। और जो मेरी जानकारी, अभी 9 स्टेट्स के लोग यहाँ पर आए हैं और पहली बार ही हुआ है। जैसा आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये हो रहा है, सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ। और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि जो मेडल सेरेमनी के लिए बच्चों को लाइन अप कराएंगे आगे से भविष्य में।